अब हम लोग 23वां अध्याय 24वां अध्याय और 25वां अध्याय इसका थोड़ा शॉर्ट में अर्थ देखने का प्रयास करने वाले हैं। अभी हमारे पास कितने दिन है? 10, 11, 12 और 13 इन चार और 14, तो इन 5 दिनों में हमारी पूरी स्वाध्याय होने वाली है, पूर्ण होने वाली है। इसके लिए आज हमने सिर्फ 2 ही अध्याय देखे हैं। तो आज हम पहले देखेंगे 23वां अध्याय। 23वें अध्याय का नाम है केशी गौतम। केशी और गौतम ये भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर स्वामी इन दोनों के क्या थे? शिष्य थे। केशी कुमार ये भगवान पार्श्वनाथ के चौथे पट्टधर थे और भगवान गौतम स्वामी कौन थे? भगवान महावीर स्वामी के प्रथम प्रथम गणधर थे। तो इस तरह से दो शिष्य जो है इनका आपस में मिलन होता है और मिलन के बाद उनमें क्या होता है ये पूरा 23वें अध्याय में बताया गया है। हमारे केशी कुमार जो पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा से थे वो विहार करते हुए एक बार श्रावस्ती नगरी में पधारे और पधारने के बाद वहाँ पे तिंदुक नाम का जो उद्यान था, बगीचा था, वहाँ पे वो विराजमान हुए। और उसके बाद हमारे जो गौतम स्वामी थे वो भी विहार करते करते उसी श्रावस्ती नगरी में पधारे और उसी श्रावस्ती नगरी में कोष्टक नाम का उद्यान था, उस उद्यान में हमारे गौतम स्वामी विराजमान हुए। हमारे जो केशी कुमार थे ये पार्श्वनाथ भगवान को मानने वाले और भगवान महावीर स्वामी को मानने वाले गणधर गौतम स्वामी, अब इनके जो शिष्य थे ये आपस में क्या होने लग गए? नगरी में जब गोचरी के लिए जाते थे तो आपस में मिलने लग गए और एक दूसरे से बात करते हुए पूछने लग गए कि आप कौन हैं। वो बोलते आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तीर्थंकर भगवंतों को मानने वाले हैं। तो वो दूसरे कहते हम भी तीर्थंकर भगवान को मानते हैं। बोले फिर आप ऐसे जो पार्श्वनाथ भगवान के जो शिष्य थे वो कपड़े पहनते थे और उनको छूट थी, वो किसी भी प्रकार के कलर के कपड़े पहन सकते थे, और इधर भगवान महावीर स्वामी के जो शिष्य थे वो एक तो नग्न दिगंबर रहते थे या कपड़े पहने तो सिर्फ सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते थे। और इधर इन लोगों ने देखा कि अरे अपन तो एक ही तीर्थंकर परंपरा को मानने वाले हैं, हमारा मंत्र एक है, हमारा लक्ष्य एक है, हमारा ध्येय एक है, फिर हमारे में ये अंतर क्यों है? ये अंतर अपने में क्यों है? हम एक ही घर के दो बेटे हैं पर इन दोनों में बहुत सारा अंतर नज़र आ रहा है और हम एक होते हुए भी अलग दिख रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? तो आपस में ऐसी चर्चा होने लग गई। तो होने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि हम साथ में बैठ के चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे और उस चिंतन में से एक दूसरे के जो सवाल है उसके जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। तब दोनों के शिष्य दोनों के गुरुओं को आके कहते हैं कि हम एक ही परंपरा को मानने वाले हैं, फिर भी हमारे बीच में वेश को लेके, कपड़ों को लेके और व्रत को लेके हमारे बीच में अंतर पड़ रहा है। ये अंतर क्यों है? लोगों में भी इसकी जिज्ञासा है कि ये लोग अलग अलग क्यों है, तो उनको जिज्ञासा है तो इसका समाधान होना चाहिए। तो गौतम स्वामी ने कहा कि हमारे जो केशी श्रमण है, केशी कुमार है, वो परंपरा से बड़े हैं, पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के है, पार्श्वनाथ भगवान 23वें तीर्थंकर है और भगवान महावीर स्वामी के माता पिता भी किसके उपासक थे? पार्श्वनाथ भगवान के परंपरा के उपासक थे और भगवान महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व ही पार्श्वनाथ भगवान हुए थे, यानी पार्श्वनाथ भगवान का चारों तरफ क्या था? उस समय भी प्रभाव था।
और इधर गौतम स्वामी ने कहा कि हमारे जो पार्श्वनाथ भगवान है वो परंपरा से हमसे बड़े हैं, तो हमने बड़ों के चरणों में जाना चाहिए। तो उन्होंने समाचार भेजे केशव कुमार को, तिंदुक उद्यान में उनके शिष्यों के द्वारा समाचार मिले कि हम आपस में मिलना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, तो आपकी आज्ञा है क्या? तो उन्होंने कहा कि आपका स्वागत है, आज्ञा नहीं है, आपका स्वागत है, आप पधारो, हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और इधर हमारे गौतम स्वामी अपने पूरे शिष्य समुदाय के साथ पार्श्वनाथ भगवान के जो केशी श्रमण थे, जो तिंदुक वन में विराजमान थे, उनके चरणों में वो पहुंचते हैं। जैसे ही ये वहाँ पे जाते हैं तो केशी कुमार क्या करते हैं, उनके स्वागत में उठकर खड़े हो जाते हैं। कह रहे ऐसा नहीं मैं बड़ा हूँ तो बैठा रहूँ, ऐसा अभिमान उनमें नहीं था। ज्ञानी थे, और ज्ञानी का लक्षण क्या होता है कि उनमें अभिमान नहीं होता है। तो केशी कुमार जैसे गौतम स्वामी को आया हुआ देखते हैं, पहले तो अपने शिष्यों को उनको लेने के लिए भेजते हैं, फिर वो जब आते हैं तो स्वयं उठकर खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद उनको आसन आदि देके उनका सत्कार सम्मान करते हैं, उनको बिराजो बिराजो ऐसा कहते हैं। और फिर दोनों क्या होते हैं, इधर के गौतम स्वामी और इधर हमारे केशी स्वामी दोनों पाठ पर विराजमान होते हैं, उनके शिष्य सारे उनके सामने बैठते हैं। और लोगों के मन में कुतूहल था, आश्चर्य था कि अरे दो परंपराओं का आज मिलन होने वाला है, इनमें संवाद होता है कि विवाद होता है, इनमें चर्चा होती है कि झगड़ा होता है। ये देखने के लिए वहाँ पे पूरे गांव के लोग आए थे, और सिर्फ गांव के नहीं, सभी अन्य धर्म के अन्य जाति के सारे लोग उस चर्चा में क्या हो गए, सम्मिलित हो गए। और इतना ही नहीं, वो जो हमारे गौतम स्वामी थे, केशी कुमार थे, वो तपस्वी थे, और उनके चेहरे पर ऐसा तेज चमक रहा था कि साक्षात एक चंद्र तो दूसरा सूर्य लग रहा था, ऐसे वो तेजस्वी थे। और उनको देखने के लिए, उनकी सभा को देखने के लिए मनुष्य तो आए, पर देवी देवता भी वहाँ पर आकर उपस्थित हो गए। 23वें अध्याय में एक गाथा आती है, देवदानव गंधवा जख रखस किन्नरा आदिसाणम च भूयाणम आसी तथ समगमो। देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस और अदृश्य रूप से जो भूत वहाँ पर थे, वो सारे सारे उस समागम को देखने के लिए, उस चर्चा को सुनने के लिए वहाँ पर उपस्थित हो गए थे। और फिर आपस में चर्चा चली। केशी कुमार ने कहा कि मैं भले ही परंपरा से बड़ा हूँ, परंतु गौतम स्वामी आपकी प्रज्ञा, इसमें एक शब्द बार बार आता है, साहू गोयम पन्नाते, हे गौतम आपकी प्रज्ञा यानी आपकी बुद्धि श्रेष्ठ है, क्योंकि साक्षात तीर्थंकर का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ है, इसके लिए आपके पास ज्ञान ज़्यादा है, बुद्धि ज़्यादा है, समझ ज़्यादा है। तो मेरे मन में जो सवाल है, उस सवालों के तुम क्या करो, जवाब देने का प्रयास करो। तो गौतम स्वामी को केशी कुमार प्रश्न पूछते हैं, और कितने प्रश्न पूछे, इसमें 12 प्रश्न पूछे हैं, प्रश्न 12 पूछे हैं, उसमें 10 प्रश्न ऐसे हैं जो शाश्वत सदाकाल सबके उपयोग में आने वाले हैं, परंतु 2 प्रश्न ऐसे थे जो प्रासंगिक थे, वेश को लेके थे और व्रत को लेके थे। तो केशी कुमार ने गौतम स्वामी से पूछा कि हम दोनों अगर एक परंपरा के हैं तो हमारे वस्त्रों में अंतर क्यों है? तो उस समय गौतम स्वामी ने कहा कि जैसे जैसे काल बदलता है वैसे मानव की बुद्धि बदलती है, और बदलती बुद्धि के साथ व्यवस्था अगर जमाए रखनी है तो उसको कुछ न कुछ नियम देना जरूरी हो जाता है। इसके लिए प्रभु महावीर ने अपने जो श्रमण है, साधु है, उनको सफेद वस्त्र पहनने का क्या किया है, विधान किया है। एक तो
जो जीन कल्पी है, जिनको दिगंबरत्व स्वीकार है, वो जंगल में जाके अपनी साधना करें, पर जिनको शहरों में रहना है वो अगर उनको कपड़े पहन के रहना है तो वो सिर्फ सफ़ेद कलर के ही कपड़े पहनेंगे, दूसरे प्रकार के नहीं पहनेंगे। तो फिर केशी कुमार ने कहा कि हम तो रेशमी कपड़े पहनते हैं, अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हैं, ऐसा क्यों है? तब गौतम स्वामी ने कहा कि जो प्रथम तीर्थंकर होते हैं और अंतिम तीर्थंकर होते हैं, उस समय के साधुओं में, श्रावकों में बुद्धि का भेद हो जाता है, क्योंकि पहले जो तीर्थंकर है उनके जो साधु होते हैं वो कैसे होते हैं, हृदय से तो सरल होते हैं पर बुद्धि से जड़ होते हैं, बुद्धि ज़्यादा चलती नहीं है। इसके लिए उनको भी विधान दिया गया कि फिर सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनो। और फिर भगवान महावीर स्वामी यानी पांचवा आरा जब लगने के समय आ जाता है, 24वां तीर्थंकर जब होने का समय आता है, तब मनुष्य की बुद्धि क्या हो जाती है, वक्र हो जाती है, जटिल हो जाती है, टेढ़ी चलने लग जाती है, और वो वक्र और स्वभाव से टेढ़े होते हैं। इसके लिए उनके लिए बहुत सारे नियम लगा दिए गए हैं कि इन नियमों में ही तुमको चलना है। और जो बीच के 22 तीर्थंकर होते हैं, 2 से लेकर 23 तक, ये इनके समय के साधु और श्रावक दोनों ही कैसे होते हैं, हृदय से भी सरल होते हैं और बुद्धि से भी सरल होते हैं, वो जैसा कहा गया वैसे ही धर्म का आचरण करते हैं। फिर उसके लिए कपड़े कौन से पहने तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। मुख्य लक्ष्य क्या होता है, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप के, तप में वृद्धि करना, ये साधना का लक्ष्य होता है। परंतु बाह्य व्यवस्था टिका कर रखना, इसके लिए नियम भी क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। इसके लिए भगवान महावीर स्वामी के समय लोगों की बुद्धि क्या हो गई है, थोड़ी वाकड़ी चलने लग गई है, वक्र चलने लग गई है, वो बराबर नियम में से भी बहाना निकाल लेते हैं, नियम में से भी छूट बराबर निकाल लेते हैं। इसके लिए इतने नियम लगाए गए हैं। इस तरह से जब कहा तब केशी कुमार को एकदम क्या हो गया, समाधान हो गया। फिर उन्होंने कहा कि व्रत में क्यों आप लोग 5 महाव्रत पालते हैं, हम 4 पालते हैं। तो कहा कि उसके लिए भी क्या कहा गया है कि जो 4 महाव्रत होते हैं तो उसमें परिग्रह में ही स्त्री को लिया गया था, पर आगे चल के बुद्धि टेढ़ी होने वाली है। ये जब भगवान के ध्यान में आया तो उन्होंने ब्रह्मचर्य को अलग कर दिया और परिग्रह को अलग कर दिया। इस तरह से व्रत में और वेश में जो अंतर था वो दोनों ने आपस में चर्चा करके सुलझा दिया, और फिर आगे 10 सवाल पूछे, 10 जवाब मिले, और सब समाधान उनको, केशी कुमार को पूर्ण रूप से क्या हो गया, समाधान हो गया। वो अंतर से इतने खुश हो गए कि उन्होंने कहा कि अब भगवान महावीर स्वामी यहाँ पर विराजमान है, वो तीर्थंकर है, अब मुझे क्या कर लेना चाहिए, अपनी परंपरा का विलय भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में कर लेना चाहिए। और उन्होंने, वो ज्ञानी थे पर आग्रही नहीं थे, ज्ञानी थे पर अभिमानी नहीं थे, ज्ञानी थे पर अपनी परंपरा के प्रति आसक्त नहीं थे कि नहीं हमारा ही मत चलना चाहिए, हमारी परंपरा चलनी चाहिए, ऐसे वो आसक्त नहीं थे। और उन्होंने देखा कि अब समय बदल गया है, तीर्थंकर बदल गए हैं तो हमें भी बदलना चाहिए, और साक्षात उन्होंने बदल कर दिखाया। और उन्होंने गौतम स्वामी को कहा कि हम अपनी परंपरा का विलय आपकी परंपरा के साथ करते हैं, हमारे नियम को छोड़ के भगवान के जो नियम है उसको हम धारण करेंगे और आपके ही साथ हम यहाँ से चलेंगे और भगवान के महावीर स्वामी के शासन को हम स्वीकार करेंगे। और सच में वो वहाँ से भगवान महावीर स्वामी के शासन में, समव शरण में पहुँचे, तन मन से उनके चरणों में क्या हो गए, समर्पित हो गए। और कैसे समर्पित हो गए, जैसे दूध में शक्कर मिलती है, दूध में शक्कर मिलती है, केसर मिलती है तो दूध मीठा हो जाता है और केसर के कारण सुगंधित हो जाता है, वैसे उस परंपरा में उन्होंने अपना क्या कर लिया, समर्पण कर लिया।
और भगवान महावीर के शासन को स्वीकार कर लिया। इस तरह से 23वें अध्याय में बहुत सुंदर बातें बताई गई है, जितना भी वर्णन करो कम है, पर अपने को समय की मर्यादा है। तो उसके आगे 24वें अध्याय में हमने देखा अष्ट प्रवचन माता, इसका नाम क्या है, पवयन माया इसका नाम है। तो प्रवचन माता, प्रवचन माता किसे कहते हैं, 5 समिति और 3 गुप्ती, इसको प्रवचन माता कहा गया है। समिति याने सम्यक प्रवृत्ति और गुप्ती याने आशुभ से निवृत्ति। समिति 5 होती है, इरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान भंड मत्त निक्षेपणा समिति और उच्चार पासवर्ण खेल जल संघान परिठावण्या समिति। ऐसे 5 समिति होती है और मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती, ऐसी 3 गुप्ती होती है। गुप्ती क्या करती है, अशुभ से मन वचन काया को रोकने का प्रयास करती है, और समिति क्या करती है, सम्यक प्रवृत्ति कराती है, उसे समिति कहा जाता है। जैसे एक माता अपने बच्चे का लालन पालन करती है और बच्चा सन मार्ग पर चले, उसे सद्बुद्धि आए, ऐसा उसका लक्ष्य होता है। ऐसे ही ये जो प्रवचन माता है, इसका लक्ष्य क्या होता है कि साधक ने संयम ले लिया है तो उसका भी क्या होना चाहिए, आचरण अच्छा रहना चाहिए और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए 5 समिति और 3 गुप्ती को माता की उपमा दी गई है, अष्ट प्रवचन माता कहा गया है। और उसके बाद 25वां अध्याय हमारे सामने आता है, उसका नाम है यज्ञीय जन इज्जम, मतलब ही यज्ञीय। हमारे भारत में वैदिक धर्म बहुत प्राचीन काल से चल रहा है और वैदिक धर्म की शुरुआत यज्ञ और याग से होती है। कोई भी धार्मिक क्रिया करनी है तो पहले वहाँ पे क्या किया जाता था, यज्ञ किया जाता था। ये परंपरा हमारी प्राचीन है और इसी प्राचीन परंपरा में 2 भाई हुए जिनका नाम था जय घोष और विजय घोष। तो ये जय घोष और विजय घोष बनारस के रहने वाले थे, वाराणसी नगरी के रहने वाले थे। 2 सगे भाई थे और दोनों ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, वेद वेदांत के पूर्ण ज्ञाता थे। पर एक बार क्या हो गया कि जो जय घोष थे वो नदी के किनारे गए और वहाँ पे स्नान करते हुए उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक मेंढक नदी के किनारे है, उसको सर्प निगल रहा है, सर्प अपने मुंह में पकड़ रहा है। और जो सर्प मेंढक को पकड़ रहा है, ऊपर से गरुड़ पक्षी आया है और उस सर्प को निगलने की कोशिश कर रहा है। यानी गरुड़ के मुख में कौन है, सर्प है, सर्प के मुख में कौन है, मेंढक है। और वो जो मरता हुआ मेंढक है वो क्या कर रहा है, उड़ते हुए मच्छर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है। अरे बाप रे, उन्होंने ये दृश्य देखा और कहा कि ये जीव सृष्टि कैसी है, जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव की हिंसा कर रहा है, एक जीव दूसरे जीव को अपना ग्रास बना रहा है। और एकदम से वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई, ये हिंसामय जगत है और मुझे अहिंसा के मार्ग पर जाना है, जहाँ परस्पर उपग्रहो जीवानाम, ये सिखाया जाता है कि परस्पर जीव का सहयोग है तो ही जीव सृष्टि चलती है, ऐसे मार्ग पर मुझे जाना है। और छोटा सा प्रसंग देख के जागृत हो गए, दीक्षा धारण की, और कौन सी दीक्षा धारण की, ब्राह्मण होते हुए भी जैन दीक्षा उन्होंने धारण की और सत्य अहिंसा के राह पर चलने लग गए, तपश्चर्या करने लग गए और इतनी घोर तपस्या की कि उनका पूरा शरीर कृश हो गया, उनका शरीर एकदम अलग प्रकार का हो गया। और वो विहार करते करते एक बार वापस बनारस नगरी में आए तो वहाँ पे उनका जो भाई था विजय घोष, वो यज्ञ कर रहा था। और यज्ञ करते हुए ये वहाँ पे मांस खमण के पारने के लिए आए तो इनको वहाँ पे आने से मना कर दिया कि जो ब्राह्मण है वही इस यज्ञ में आ सकता है और यहाँ से आहार ग्रहण कर सकता है।
तब विजय घोष मुनि तो मुनि बन गए थे, शांति के धारी थे, उन्होंने बिल्कुल भी बुरा माना नहीं। वो वहाँ पे खड़े हो गए, शांति को धारण किया, मना कर दिया उनको, फिर भी शांति से वहाँ पे खड़े रहे। और विजय घोष जो थे उनके सगे भाई थे, पर विजय घोष ने जय घोष को पहचाना नहीं, क्योंकि शरीर क्रूश हो गया था तो पहचाना नहीं। तो जय घोष वहीं पे खड़े रहे और विजय घोष को कहा कि भैया तुम जो यज्ञ कर रहे हो वो द्रव्य यज्ञ है, और सच में अगर आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा का उद्धार करना है, तो भाव यज्ञ करना चाहिए। और भाव यज्ञ कौन सा होता है कि ज्ञान की अग्नि जलाओ, तप की अग्नि जलाओ, और उसमें विषय कषाय और कर्म को जलाओ, तो वो सच्चा यज्ञ होता है। और ऐसा सच्चा यज्ञ करने वाला ही इस संसार से क्या होता है, पार होता है। हे भैया, इसमें बहुत सुंदर सुंदर और भी बातें हैं, परंतु आज इतना ही ध्यान में रखें कि द्रव्य यज्ञ नहीं, भाव यज्ञ करना होता है। और भाव यज्ञ का जब सच्चा स्वरूप विजय घोष के ध्यान में आया, तो उसने भी क्या कर लिया, समस्त हिंसा का त्याग करके उन्होंने भी जय घोष की तरह जैन दीक्षा को धारण कर लिया, और अपनी आत्मा का दोनों ने उद्धार किया। तपश्चर्या करके जय घोष और विजय घोष दोनों ने मुक्ति को प्राप्त किया, ऐसा वर्णन हमारे 25वें अध्याय में आता है। बहुत सुंदर सुंदर प्रेरणाएं हैं, सुंदर सुंदर गाथाएं हैं, और आप लोग भी बहुत भक्ति के साथ इसका श्रवण कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति।